हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हूँ, ये वीडियो है कोविड-19 पर, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस जो नोवेल कोरोना वायरस है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके आंसर्स की, क्योंकि कोरोना वायरस इस समय महामारी चल रही है और उस महामारी से संबंधित जो प्रश्न है हम वो प्रश्न का पार्ट फर्स्ट लेकर हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस पर हाजिर है। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से हम बात करते हैं, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण हो रही दिक्कत को देखते हुए सभी बैंकों को 10 से 4 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, स्टार वार्स, बैटमैन, बिंगिस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय कर चुके किस अभिनेता का कोरोना वायरस के चलते 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? एंड्रयू जैक का। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर के किस सरकारी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमेनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? सवाई मानसिंह अस्पताल, SMS हॉस्पिटल में। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट इसाक लॉन्च किया है? तो IIT गांधीनगर ने। नेक्स्ट, G20 सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है? तो 5,000 अरब डॉलर का। नेक्स्ट आई बात करते हैं कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए किसने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन से विभाग ने कोरोना लॉकडाउन के समय जरूरी चीजों की डिलीवरी और उनके ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए कितने 1,00,000 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तो 1.70 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले किस खिलाड़ी और उनकी पत्नी ने कोरोना वायरस से लोगों की सहायता के लिए 7,78,00,000 रुपए दान किए? तो रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने 3-ply फेस मास्क की कीमत 30 जून 2020 तक कितना रुपए तय की है? तो 16 रुपए। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान राज्य में व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को जरूरी परिस्थितियों में बाहर निकालने की अनुमति देने के लिए एक मोबाइल ऐप राजकोप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान पुलिस ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे की एक टीम ने। किस देश के जाने माने हास्य अभिनेता कैन सुमारा का कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया है? तो जापान के अभिनेता का। सरकार ने पूर्ण बंदी यानी कि लॉकडाउन की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलों कम करने के उपाय सुझाने के लिए 11 समूह गठित किए हैं। इन समूहों में से चिकित्सा आपात और प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह का अध्यक्ष किसे बनाया है? डॉक्टर वी पाल को। नेक्स्ट बात, कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति में जन भागीदारी को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर्स। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्लम में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधाओं की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किस देश ने कोविड-19 के खतरे के बावजूद भारत में LPG गैस की कमी न होने देने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने, क्योंकि भारत दूसरा सबसे ज्यादा आयातक है गैस का, LPG गैस का। 1 अप्रैल 2020 को किसने घोषणा की है कि भारत में लागू 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की योजना नहीं है? तो केंद्र सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव
केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किस स्थान पर कोविड 19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने की है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कोवई में। WHO द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? 13 मार्च 2020 को। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु होने पर कितने रुपए देने की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपए। नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? दिसंबर 2019 में से चीन के वुहान शहर से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कौन सा टूर्नामेंट कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है? विंबलडन 2020 टूर्नामेंट। कोरोना वायरस के चलते पद्मश्री से सम्मानित किसका निधन हो गया है? निर्मल सिंह का। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा और अभिनेता विक्की कौशल ने क्रम से कितने रुपए दिए? तो रोहित शर्मा ने दिया 80 लाख रुपए और अभिनेता विक्की कौशल ने दिए 1 करोड़ रुपए। हॉकी इंडिया संगठन एवं गायिका लता मंगेशकर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए दान में देने की घोषणा की है? 25 लाख रुपए। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष कब से आयोजित किए जाएंगे? 23 जुलाई 2021 से। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बाबा रामदेव ने कितने करोड़ रुपए दान में दिए? 25 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के चलते किस सिंगर का निधन हो गया है? तो एलन मैरिल का। किस सीबीसी न्यूज के प्रोड्यूसर का कोरोना वायरस के चलते 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? मारिया मर्डाकर का। रिलायंस ग्रुप ने पीएम केयर फंड में कितने रुपए देने की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के चलते जर्मनी के किस वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली है? उनका क्या नाम है? थॉमस साइफर। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए दान में दिए? 1 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि पीएम के अर्स में जमा करवाए हैं? 25 करोड़ रुपए। टाटा ग्रुप ने कोरोना वायरस के लिए कितने करोड़ रुपए दान दिए? 1500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने किन लोगों को ट्रैक करने के लिए कोरोना कवच नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना संक्रमित की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए RBI ने EMI चुकाने में कितने महीने की छूट प्रदान की है? 3 महीने की। मूडीज ने कोरोना वायरस के चलते वित्त मंत्री वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 2.5%। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए दिए? 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते किस योजना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है? तो जनगणना NPR को। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने करोड़ डॉलर राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो 2 लाख करोड़ डॉलर। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 8 करोड़ रुपए दान में देने की घोषणा की है? तो लियोनेल मेसी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण कितनी तारीख तक देश में लॉकडाउन की घोषणा की है? 14 अप्रैल तक, यानी कि 25 तारीख से स्टार्ट किया था, 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन। कोरोना वायरस के चलते 26 मार्च को होने वाले किस चुनाव को स्थगित कर दिया गया? राज्यसभा के चुनाव को। किसने कोरोना वायरस के चलते 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला लिया है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते नेपाल ने किन देशों के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी है? तो चीन और भारत के साथ। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है कोरोना वायरस से संबंधित 50 क्वेश्चंस का। पार्ट सेकंड जो है आपका कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, और यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल UV कंपटीशंस। और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से।